ठीक है चांद, मैं अमरजोत बोल रहा हूँ एडमंटन से। और आप दुबई में हैं? जी, मैं दुबई में रहता हूँ। मैं 3 साल से यहाँ पे हूँ और मेरी कंपनी है लॉजिस्टिक एंड जो है फ्रेट कार्गो की, ट्रांसपोर्ट, अच्छा, जिसे आप आसानी से कह सकते हैं ट्रांसपोर्ट की कंपनी है। ट्रांसपोर्ट, ठीक है। जी मेरे को खुशी हुई है कि आपने मेरे को कांटेक्ट किया। और आपने वो एक वीडियो देखा था मेरा, जिसमें एक लाहौर से एक आदमी कुछ अपनी परेशानी की वजह से वहां से रेफ्यूजी के बारे में सोच रहा था। तो उसको मैंने ये सलाह दी कि तुम उस कंट्री से निकलो और बाहर जाके किसी और कंट्री में जाके पनाह लो और जाके फिर वो रेफ्यूजी फाइल करो UNHCR का। और आपने मेरे को कांटेक्ट किया, आपने शायद उसका वीडियो देखा और आपके मन में ऐसा कोई ख्याल आया कि मैं उसको, आप मतलब आप उसको नौकरी दे सकते हैं, राइट? ऐसी बात थी? जी, बिल्कुल ऐसा ही है बात। मैंने इसीलिए आपसे कांटेक्ट किया। मैंने बड़े गौर से, मैं यूट्यूब, मतलब आजकल रमजान है जैसा कि आप जानते हैं, और हाँ ऑफिस से जल्दी फ्री होके आ जाते हैं। कुछ टाइमिंग यूएई में ऐसा है, गवर्नमेंट मतलब पाबंद करती है हमको कि 1 बजे हम ऑफिस वगैरह सारा कुछ क्लोज कर दें रमजान के एहतराम में। तो मैं आके भी सर्फिंग कर रहा था तो अचानक मेरी नजर पड़ी, मतलब कि मैंने उसे क्लिक किया रेंडमली। तो वो आपसे पूछ रहा था बंदा कि मेरा फादर का मर्डर हो गया, मेरे भाई का मर्डर हो गया और मुझे खुद भी मेरे ऊपर अटैक हो चुका है 2-3 बार, और सही। मैं फैमिली में सिर्फ मैं और मेरी माँ है। तो वो जब मैंने देखा उस बंदे के पास, वो पूछ रहा था आपसे, उसके पास बेसिकली ऑप्शन नहीं था कोई जाने का, तो मुझे ऑलरेडी एक पर्सन की जरूरत थी। तो मुझे ख्याल आया कि अगर यार ये बंदा, मतलब कि अगर इसी तरह वाकई नीडी है और ये अपनी लाइफ भी सिक्योर करना चाहता है और अपना कुछ फ्यूचर भी बनाना चाहता है, तो क्यों ना मैं इसे अपने पास जो है वो जॉब प्रोवाइड कर दूं। तो इस तरीके से ये अपनी मदर को भी इधर बुला सकता है और अपना फ्यूचर और अपनी लाइफ दोनों सिक्योर कर सकता है, अगर मतलब उसका अल्लाह ने लिखी है उसकी किस्मत में अच्छी चीज। थैंक यू, थैंक यू। मैं आपका, पहली बात तो आजकल रमजान का होली मंथ चल रहा है, और मैं आपका थैंक यू पहले कहूंगा कि आपने उस वीडियो को देखा और आपके मन में एक ख्याल आया कि किसी को नौकरी दे सकते हैं, तो बहुत अच्छा लगा मेरे को। दूसरा, मैं यूट्यूब वालों का मैं थैंक यू जरूर करूंगा किसी दिन, के यूट्यूब के मीडियम से दो लोग जुड़ रहे हैं और उनको, एक को कोई उनका रिजिक का साधन बन रहा है, वो आके यहाँ पर जॉब कर सकते हैं। क्योंकि मेरे को उसका आदमी का फोन नंबर वाला है नहीं मेरे पास इस वक्त, तो मैंने सोचा कि इस वीडियो को हम बना के दोबारा से नशर कर देंगे और जिसके जिसके थ्रू वो देखेंगे, और भी लोग पाकिस्तान से जो रेफ्यूजी के बारे में सोच रहे हैं, अगर उनको भी जॉब वगैरह चाहिए, अगर ऐसा कुछ सोच रहे हैं, तो वो दुबई आके या वहीं से बैठे बैठे आपसे सीधे रابطہ कायम कर सकते हैं, करेक्ट? जी, बिल्कुल। मैं हाँ अगर किसी की भी, कोई भी पर्सन अगर मतलब वो मदद चाहता है, मैं उसे बिला मुआवजा और बगैर किसी लालच के, जहाँ तक हो सका मैं उसे इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे, इस्लामी भाईचारे के तौर पे, वैसे भी हमारी जो कंट्रीज है पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश वगैरह, यहाँ के लोग जो है वो बेचारे इसी तगोदो में होते हैं कि यार हमें कोई अच्छा रोजगार मिल जाए, हमें कहीं सर छुपाने की जगह मिल जाए तो हम अपनी लाइफ को थोड़ा स्टेबल कर सकें। तो मैं इसमें इंशाल्लाह जरूर, जहाँ तक मुझसे हो सका, मैं बिला मुआवजा और बगैर किसी लालच के उनकी वाह, हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। और मैं आपको अपनी जो है कंपनी की वेबसाइट, वो भी आपको, और अपना जो है दुबई का नंबर कॉल और व्हाट्सएप के लिए, वो मैं हाँ आपको दे दूंगा। आप काइंडली उसे डाल दीजिएगा डिस्क्रिप्शन में, जहाँ जैसे आप बेहतर समझते हैं, ताकि के जो भी कोई मैं पर्सन। कर दूंगा पूछ। आप ऐसा करें, आप धीरे धीरे जी अपना अपना पूरा नाम और अपना कंपनी का नाम और धीरे धीरे अपना दुबई का फोन नंबर आप बोल दें, थोड़ा वो भी रिकॉर्डिंग में आ जाए। जी मेरा पूरा नाम है मोहम्मद सलमान जावेद और मैं पाकिस्तान पंजाब से हूँ, और मेरी कंपनी का नाम है CMC Movers, और मेरा दुबई का फोन नंबर, जो मेरा पर्सनल कांटेक्ट और व्हाट्सएप है, वो है +971, ये कंट्री कोड है, आगे आप डायल करेंगे 0527575731 6, और ये मेरा नंबर आप और मेरे ऑफिस का एड्रेस मेरी वेबसाइट से भी देख सकते हैं, जो मैंने आपको आगे बताया कि www.cmcmovers.com, और ये मैं आपको रिटर्न में भी आपको सेंड कर दूंगा ताकि आप अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दें, ताकि जो लोग कुछ रहनुमाई या कुछ क्वेश्चन है
या कुछ जानना चाहते हैं दुबई के, दुबई में जॉब वगैरह का क्या सीन है, कैसे बंदा फाइंड कर सकता है, तो जो मुझसे हो सका मैं इंशाल्लाह बिला मुआवजा और बगैर किसी लालच के उनको हेल्प आउट करूंगा इंशाल्लाह जितना मुझसे हो सकेगा। बहुत बहुत खूब, बहुत खूब, अच्छा आपने अपना आपने पैगाम दिया और लोगों को एक जिसको कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा, उसको एक थोड़ा सा एक आने का एक थोड़ा सा एक एक हौसला मिलेगा कि वो आके कर सकते हैं। बाकी जहाँ तक रेफ्यूजियों की कहानी है, जो भी रेफ्यूजी किसी भी मुल्क से अगर आ रहा है तो उसकी एक शर्त यह है कि उनको अपना मुल्क छोड़ के दूसरे मुल्क में जाके वहाँ पर UNHCR का जो दफ्तर है, दुबई में भी होगा, अबू धाबी में कहीं होगा, वहाँ जाके उनको अप्लाई करना पड़ता है और उसमें टाइम लगता है, ऑफकोर्स एक दिन में नहीं होता, उसमें कई महीने भी लग सकते हैं। तो तब तक आके कम से कम वो दुबई में, अगर अगर उनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है, दुबई आ सकते हैं आराम से, और अगर आप उन्हें जॉब वगैरह दे सकते हैं तो हो सकता है उनके आधे मसले वैसे ही सॉल्व हो जाए। तो ये अच्छी अच्छी पहल हुई है। मैं समझता हूँ कि YouTube चैनल की कामयाबी है कि किसी का एक रोजी रोटी का बंदोबस्त हो गया, इससे हो जाएगा। और आपको भी अल्लाह ताला दुआ, आपकी साथ चल रही है और ये आपको जरूर इसमें कुछ ना कुछ आपको जिंदगी में आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। तो मैं इसको कर देता हूँ, उसको आगे लोग देखेंगे इसको, और आपका जो इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है वो भी मैं टाइप कर दूंगा नीचे यूट्यूब के चैनल के उसमें नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से भी देख के कर सकते हैं। और कोई अगर आप कोई मैसेज देना चाहें तो आप दे सकते हैं अभी। जी, मैं उनका नाम दोबारा से, आई थिंक उनका नाम अहमद अली था और वो पंजाब से ही जंग सिटी से थे वो। That's और right. मैं स्पेशली उनको दोबारा से मैसेज अपना देना चाहूंगा, कन्वे करना चाहूंगा कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप वाकई ही चाहते हैं, तो मैं आपको अपनी कंपनी में इंस्टेंट जॉब जो है वो प्रोवाइड करूंगा। आपको जस्ट मुझसे कॉन्टेक्ट करना होगा और मैं आपसे चंद एक आपके डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे तो मैं आपको यहाँ पे बुला सकता हूँ। मैं आज करता हूँ एक्चुअली कि वो जो शख्स थे वो देख रहे होंगे इसको, और आज नहीं तो कल कभी देख लेंगे, और मैं इस पर लिख भी दूंगा कि पाकिस्तान में अगर इसको कोई वीडियो देख रहा है, अगर उस खत्ते से जो कोई बिलोंग करता है, उस एरिया से बिलोंग करता है, तो उनको जरूर फॉरवर्ड करे या उनको कॉन्टेक्ट करे और उनके पास ये मैसेज पहुँच जाए कि उनके लिए जॉब तैयार है। तो आई थिंक इट विल बी अ वंडरफुल डीड जो आज आपने किया है, इसके लिए मैं आपकी काफ़ी टाइम तक आपके लिए यू नो आई विल बी रिमेनिंग थैंकफुल टू यू। और इसको मैं इमीडिएटली इस पे यूट्यूब पे डाल देता हूँ और यू नो लेट दैट पर्सन कॉन्टैक्ट यू डायरेक्टली। जी, मैं आपका भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैंने उसके बाद आपकी 2-3 वीडियो देखी और मुझे आप बहुत ऑनेस्ट पर्सन और स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन लगे। बिल्कुल मुझे इस तरह के बंदे पसंद हैं जो लोगों को सीधी राह दिखाते हैं, गाइड करते हैं बगैर किसी लालच के। कि आप इधर, मैं दुबई में देखता हूँ कई लोग ऐसे एजेंट बैठे हुए हैं जो लोगों को इस तरह का पागल बनाते हैं, मतलब कि कनाडा और दूसरे कंट्रीज के नाम पे, और उनसे पैसे ऐंठ के और 10-20 लोगों से पैसा लिया और गायब हो जाते हैं। तो मैं मैं बाकियों को भी यही कहना चाहूंगा कि काइंडली आप अपनी जो भी इन्वेस्टमेंट है वो देखभाल के सोच समझ के, खुद अपना माइंड इस्तेमाल करके उसको काइंडली यूज करें, क्योंकि ये बहुत जो है वो एम्बैरेसिंग होता है जब बंदे को, जब कोई बंदा इस तरह से फ्रॉड करके या कुछ भाग जाता है और आपका मुस्तकबिल जो है वो खतरे में डाल देता है। तो इसके लिए बहुत शुक्रिया आपने मुझे टाइम दिया। थैंक यू। ओके ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।